महिलाओं को जो है पक्के मकान से गैस चूल्हे से लेकर 12-12 करोड़ परिवार आ रहा है। कभी सोचा है आपने पहले कहां था ये पैसा? ये पैसा ये चोर खा जाते थे। 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, 2 लाख करोड़ का घोटाला, जी चारा घोटाला, 2G स्कैम, 3G स्कैम, पंडुपी घोटाला, तो भरे रहते थे इन घोटालों से। अब देखिए हमारे जो जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी टीवी पर आकर बोलते हैं कि मेरा एक मिशन है, ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। अब जिन जिन्होंने जनता का पैसा खाया है, मासूम जनता का पैसा खाया है, उनसे मैं लेके रहूंगा और मासूम जनता को वापस करूंगा मैं उनका पैसा। ऐसा कहते हैं, एक्स सर्विस मैन का कितना अपमान किया इन लोगों ने। हमारे एक्स सर्विस मैन को जो है 75,000 करोड़, 1 रैंक 1 पेंशन का जो है सम्मान दिया। आज हमारे सेना बल जो है विश्व में 3रे नंबर के सेना बल है। सबसे आज तेजस जैसे विमान हम बनाते हैं और राफेल जैसे खरीद रहे हैं। दोस्तों आज अगर भारत को ये गौरव मिला हुआ है कि G20 में जब प्रधानमंत्री चलते हैं तो सारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं। आज अगर पूरे विश्व में रैंकिंग होती है लोकप्रियता के आधार पर और योग्यता के आधार पर, तो नंबर 1 रैंकिंग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता 78% रैंकिंग निकल के आते हैं। तो ये जो सौभाग्य है ये देश को इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि आप लोगों के एक वोट की ताकत ने जो है हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो दोस्तों मैंने जैसे कहा कि ये जो मंडी की मेरी जनता है, इन लोगों ने मन बना लिया है, अपना मन बना लिया है कि ऐसे बिगड़े हुए शहजादों को हम नहीं सहन करेंगे। सेना बलों का अपमान करते कहते हैं कहां की जी सर्जिकल स्ट्राइक हमने नहीं देखी। हमारे सैनिकों को कहते हैं गलवान वैली में मार खा के आ गए, ये जो है ये कायर हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं। सोचिए हमारे प्रधानमंत्री जो हैं दिवाली से लेकर होली से लेकर सेना बलों के साथ मिलाते हैं और ये जो हैं ये छुट्टियां मनाने जाते हैं, थाईलैंड और चाइना जाते हैं ये छुट्टियां मनाने। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी सेना किसी से कम नहीं है और उनको वो कहते हैं जाओ और पाकिस्तान के घर में घुसकर मार के आओ, काम कर दो उनको। और आज पाकिस्तान की ये औकात है कि उनके हाथ में भीख का कटोरा है, आटा और चावल मांग रहे हैं वो। पहले कहा तो हमें परमाणु बम की धमकियां देते थे, ऐसा दबका आज अगर हमारे राष्ट्र का है तो वो आप लोगों की एक वोट की ताकत है। आज हमें आगे बहुत काम करने हैं। आप सोचिए, आप प्रधानमंत्री जी की व्यथा सोचिए। आप 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो सबसे पहले तो उनके पास करने के लिए, सोचो हम सोचते हैं कि उनके पास ये काम होंगे वो काम होंगे, आपको जान के दुख होगा कि उनके पास क्या काम थे शुरू में करने के लिए। जी शौच बनाओ जी, सबसे पहले तो क्लीन करो जी, और बीमारी और भूखमरी हटाओ। 50 करोड़ तो उन्होंने अकाउंट खुलवाए, यहाँ के जो कांग्रेस के वित्त मंत्री कहते थे अनपढ़ गवार देश है ये, क्या मोबाइल यूज करेंगे, क्या डिजिटलाइजेशन करेंगे, कि 50 करोड़ अकाउंट खुलवाए, देश साफ किया, मेक इन इंडिया चलाया। यहाँ तक कि किसी को यह भी पता नहीं था कि हमारी सीमाएं कितनी हैं। कहते हैं इतने तो आइलैंड निकले जिनका आता पता कोई नहीं था। ऐसे लोग तो देश संभाल रहे थे, देश में संविधान भी एक नहीं था और 370 धारा वहां से हटाई। एक इंसान आते हैं कोई शौच साफ करना, कोई सीमाओं की वो जो है वो देख रेख करना, लेखा जोखा तो दो पहले कितने महीने तो उसी में लग गए। अब भी जो है हर 2-3 महीने में इलेक्शन हो जाता है। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, संविधान एक नहीं था, अब सिविल कोड एक नहीं है, संवैधानिक अधिकार अलग अलग संप्रदाय को दिए हुए हैं। ऐसी खिचड़ी पकाई हुई है, ऐसी गंदगी फैलाई हुई है इन भ्रष्ट इन कांग्रेस वालों ने। मैं तो कहती हूँ कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे यशस्वी करके आगे आने वाली पीढ़ी जो जो ये पॉलिटिक्स में जाएंगे उनको उनके भगवान की तरह पूजा कर करनी चाहिए भाई, कि आपने हमारे से आने से पहले ये इतना सारा जो ये गंदगी साफ की, आप धन्य हैं, आप महान हैं, इस तरह का उनके प्रति वो होना चाहिए। आज भी करने को इतने काम है,
दृष्टि से हो या चाहे आप देख लिए स्पेस की दृष्टि से हो, आज हम ओलंपिक जो है वो होस्ट करना चाहते हैं और 11 में से 5वीं इकोनॉमी बने, अब हम तीसरी इकोनॉमी जो है बनने जा रहे हैं, इस तरह के बहुत काम करने के लिए हैं और सारा देश मोदी जी के साथ है, सारा देश उनके, सब समझते हैं कि एक हफ्ता है, दिन रात खपता है और दूसरी तरफ चोरों की सरकार, एक से बढ़कर एक स्कैम। अगर देखना हो तो इंडिया गठबंधन की शक्लें देख लें और गूगल करें, एक एक इंसान पर एक से बढ़कर एक स्कैम और घोटालों के चार्जेस हैं। हमारे प्रधानमंत्री पे क्यों नहीं है जी चार्जेस? क्योंकि वो चोर नहीं है, उनकी नियत और नियति दोनों ही श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, जिन्होंने 370 धारा हटाई है, जिन्होंने हमारे सनातनी इतिहास को जो है ये गौरवशाली, जो गौरवमय, जो समय दिखाया है, वैसे नरेंद्र मोदी को, उन्होंने तो सबको पता है कि ऑलरेडी हमारे पास ऐसा बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास कि ऑलरेडी सरकार तो बन चुकी है, लेकिन मेरे हिमाचल वासियों ने इस महायज्ञ में, यह जो संविधान का महायज्ञ हो रहा है, इसमें उन्होंने कैसी अपनी अपने कैसे कैसे हिस्सा लिया, कैसे कैसे मिलेगी, तो हम जो है बस सीना ठोक के दिल्ली में कहेंगे, अरे हमारे हिमाचल ने तो 4 की 4 सीटें दी हैं और ऐसी ऐतिहासिक लीड दी है जो शायद ही किसी क्षेत्र में मिली हो। तो मेरे साथ अब की बार 400 पार के नारे करेंगे, अब की बार 400 पार, अब की बार जय जय श्री राम, जय हिंद। मेरा निवेदन रहेगा कंगना जी से, हमारे बीच में